अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल ई फॉर यू एक्टिविटीज। डियर व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स, मैं इस बार लेकर आया हूं एक और नया टेक्निकल वीडियो, हाउ टू मेक अ व्हाट्सएप स्टिकर ऑफ योर फोटोज, यानी आपके फोटोज के व्हाट्सएप स्टिकर कैसे तैयार करना और उन फोटोज के साथ वेरी नाइस, थैंक यू, शुक्रिया, ईद मुबारक या जो भी आप टेक्स्ट लिखना चाहे, हिंदी, उर्दू, और इंग्लिश, जो लैंग्वेज में आप लिखना चाहे वो लिखकर उसे जो है स्टिकर बनाकर आप व्हाट्सएप पर किस तरह से शेयर करना, ये तमाम प्रोसेस जो है मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम देख लें कि व्हाट्सएप स्टिकर क्या है। आप यहां देखिए स्क्रीन पर, ये जो आपको नजर आ रहे हैं ये मेरे जरिए बनाए गए कुछ व्हाट्सएप स्टिकर्स है जो मैं अक्सर व्हाट्सएप पर शेयर करता हूं, जैसे थैंक यू वेरी मच, वेरी नाइस, यू आर वेलकम, शुक्रिया, हैप्पी बर्थडे और बहुत सारे स्टिकर्स जो है मैंने बनाए हूं, और इस तरह के स्टिकर आप भी बना सकते हो। तो अपना वीडियो स्टार्ट करने से पहले फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मेरा चैनल E4U एक्टिविटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर विथ योर फ्रेंड्स। डियर फ्रेंड्स, स्टिकर बनाने के लिए आपको दो एप्स डाउनलोड करने की जरूरत है। पहली जो आपके स्क्रीन पर नजर आ रही है ब्लेंड कॉलेज, ये आपको प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड करना है, और फिर आपको दूसरी जो एप्स डाउनलोड करना है वो है बैकग्राउंड इरेजर। ये बैकग्राउंड इरेजर भी आपको प्ले स्टोर के अंदर जाकर जो है तो डाउनलोड कर लेना है। फिर इन दोनों एप्स का इस्तेमाल करके व्हाट्सएप का स्टिकर तैयार करना है, और इन दोनों ऐप्स का इस्तेमाल किस तरह से करके आपको व्हाट्सएप का स्टिकर तैयार करना है और उसे व्हाट्सएप में जाकर कैसे शेयर करना है, ये तमाम प्रोसेस आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं हम हमारे वीडियो की, कि अपने फोटो का या अपने चैनल के लोगों का टेक्स्ट मैसेज के साथ या विशेष के साथ, मुबारकबाद के मैसेजेस के साथ जो है किस तरह से व्हाट्सएप का स्टिकर तैयार करना है। बैकग्राउंड इरेजर, इस ऐप को ओपन कीजिए, लोड अ फोटो कीजिए, फिर उसके बाद आपकी जो फोटो गैलरी के अंदर से है, जो वाइट या ग्रीन या प्लेन वॉल बैकग्राउंड वाली होनी चाहिए, तो ये आसानी से इरेज होती है, इसमें परेशानी नहीं जाती है। ये ऑटो पर आप टच करोगे तो इस तरह से फोटो के पास ये रेड कलर का निशान आएगा, और इसको आप जब वहाँ कलर पर लेकर जाओगे तो उससे आपकी बैकग्राउंड इरेज हो जाएगा। इसको डन करिए, फिर सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद फिनिश करके आप बैक हो जाइए। अब आपको ब्लेंड कॉलेज में जाना है, इस ऐप को ओपन करके क्रिएट कॉलेज करना है, और उसके बाद यहाँ ऐड के ऑप्शन में जाकर फोटो इसे टच करेंगे तो आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी। गैलरी में से जो फ़ोटो आपने इरेज किए थे उस फोटो को यहाँ पर लेकर आना है और अपने हिसाब से उसको एडजस्ट करना है। इस तरह से आप उसको एडजस्ट करिए, छोटी बड़ी जहाँ तक आपको इसको रखना है स्टिकर में। फिर दोबारा ऐड में जाइए और टेक्स्ट, इसमें जाकर आप जो भी आपको लिखना है, वेरी नाइस, थैंक यू, शुक्रिया, उर्दू में, हिंदी में, मराठी में, या फिर ईद मुबारक, दिवाली मुबारक, जो भी आपको लिखना है उसे टाइप करके आप यहाँ लाकर उसको सेट करिए। आपको अगर उसको दरमियान में रखना है तो आप उसको दरमियान में रख सकते हैं, या अगर आपको उसे ऊपर फ्रंट पे ले जाना है तो आप उसको फ्रंट पर भी रख सकते हो, राइट साइड भी रख सकते हो, लेफ्ट साइड भी रख सकते हो, जहां आपको सूटेबल होता है वहां आप इसको सेट कर लीजिए, और सेट करने के बाद जो है आप इसको सेव कर लीजिए। सेव स्टैंडर्ड हाई, जो भी ऑप्शन में आपको सेव करना है ये सेव हो गया है। अब आप बैक आ जाइए, फिर अब दोबारा आपको बैकग्राउंड इरेजर में जाना है, लोड अ फोटो करना है, और इरेजर का जो है आपका वो ऑप्शन खोल कर जहाँ आपने टाइप किया था ब्लेंड कॉलेज वाला, वो फ़ोटो आपको यहाँ पर लेकर आना है जहाँ आपने मैसेज लिखा था वेरी नाइस या थैंक यू, और उसको बिल्कुल उसी तरह से जैसे आपने पहले रिमूव किया था ऑटो में जाकर उससे बैकग्राउंड को रिमूव कर देना है और उसको सेव करके अब इसे फिनिश नहीं बल्कि यूज़ एज अ व्हाट्सएप स्टिकर करके यहाँ जो आपको निशाना लग रहा है उसको टच करना है, ऐड स्टिकर करना है। ऐड स्टिकर करने के बाद वो जो आपने बैकग्राउंड इरेज करके वेरी नाइस किया था उसको आपको सिलेक्ट करना है,
अब यहाँ आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, कितना बड़ा आपको स्टिकर रखना है इस तरह से आप उसको कर सकते हो। फिर ये लोड यहाँ पर आपको टच करना है, जब आप लोड पर टच करोगे तो इस तरह से यहाँ ऐड नाउ आएगा, तो इसे ऐड नाउ कर दीजिए। अब फिर दोबारा ऐड इसे टच कर दीजिए, अब आपका स्टिकर जो है व्हाट्सएप में जाकर सेव हो चुका है। अब आप बैक जाए यहाँ आकर इसको फिनिश कर सकते हो। अब व्हाट्सएप में आइए, जिन्हें आपको स्टिकर भेजना है तो उनके नाम को स्टार्ट कीजिए। यहाँ जो ब्लू सर्कल नज़र आ रहा है यहाँ टच करने के बाद, फिर ये ब्लू सर्कल का जो निशान नज़र आ रहा है वहाँ टच करिए, और ये नीचे आपका जो है इस फोल्डर में जो बनाया हुआ है वो स्टिकर आ जाएगा। ये देखिए यहाँ आपने उसको सेंड किया, ये स्टिकर आ गया, वेरी नाइस। इस तरह से आपका स्टिकर तैयार। तो आपने देखा कितना आसान तरीका है व्हाट्सएप स्टिकर तैयार करने का। तो जल्द से जल्द आप ये दोनों ऐप्स डाउनलोड कीजिए और इन ऐप्स का इस्तेमाल करते हुए अपने बढ़िया बढ़िया प्यारे प्यारे मैसेजेस वाले व्हाट्सएप स्टिकर्स बनाइए और अपने फ्रेंड्स और ग्रुप पर उन्हें शेयर कीजिए। उसके अलावा मेरे चैनल पर और भी टेक्निकल वीडियोस अवेलेबल है, जैसे कि काइन मास्टर के जरिए वीडियो कैसे बनाना, उसके अलावा काइन मास्टर के जरिए टाइटल और इफेक्ट्स और एनिमेशन देकर किस तरह से तैयार करना, उसके अलावा हमारे YouTube के वीडियोस को थंबनेल्स कैसे ऐड करना, हमारे YouTube के अकाउंट को किस तरह से वेरीफाई करना, उसके अलावा बैनर कैसे बनाना और बहुत सारे टेक्निकल वीडियोस मेरे चैनल पर अवेलेबल है, जिसकी डिस्क्रिप्शन मैं लिंक के अंदर दे रहा हूं। आप उस के जरिए जो है वो तमाम वीडियोस को देख सकते हैं। इसके अलावा क्लास 8, 9 और 10 इंग्लिश सब्जेक्ट के तमाम लेसन्स, पोएम्स के उर्दू और हिंदी एक्सप्लेनेशन भी मेरे चैनल के ऊपर अवेलेबल है, जिसकी प्लेलिस्ट की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप उसमें जाकर वो तमाम वीडियोस को देख सकते हैं। इसके अलावा ग्रामर, क्वेश्चन पेपर पैटर्न, एप्रिसिएशन, फिगर्स ऑफ स्पीच और इंग्लिश के मजेदार एक्टिविटीज गेम, इसके भी वीडियोस आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इस पर कॉमेंट्स करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर तो ज़रूर करें। और दूसरे वीडियोज़ हासिल करने के लिए बने रहे मेरे साथ, देखते रहे मेरा चैनल ई फॉर यू एक्टिविटीज़। थैंक यू वेरी मच।